देखिए अभी हमने जो देखा बालाजी जो जंगल रिसोर्ट था, अभी प्राकृतिक अनुभव जो हमें एक फील करना था वो हमने देखा है। अब हम जस्ट अगर अपने जंगल रिसोर्ट की बात करें, बालाजी जंगल रिसोर्ट है जो, उससे महज 100 मीटर की दूरी पर बात करें तो 400 साल पुराना अगर बात करें हनुमान जी का यानी कि श्री बालाजी का मंदिर जो है यहाँ पर है। और कहते हैं ऐसा कि प्रभु से यानी कि जो 400 साल पुराना हमारे हनुमान जी का मंदिर है, अगर यहाँ पर हम कोई भी मन्नत मांगते हैं वो जरूर जो हनुमान जी हैं उस पुरोहित को पूरी करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमने अभी प्राकृतिक आनंद जो बीच में जंगल के बीच में हमने वो अनुभव किए हैं, जो हम महसूस करना चाहते हैं वाकई, लेकिन हमें वो नहीं मिल पा रहा है। और जो हमारा जो बालाजी जंगल रिसोर्ट है उसके माध्यम से जो हम आपको अनुभव कराने जा रहे हैं, और साथ में अगर बात करें इसी जंगल के बीच में हनुमान जी का मंदिर, यानी कि मंदिर में आप सुबह शाम भजन आरती करने भी आ सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक आनंद के साथ साथ में जो भगवान के उसमें लीला में और उनके गुणगान में आप लीन हो सकते हैं, उसका भी आनंद और अनुभव ले सकते हैं। और ये मंदिर की भी बात करें, अगर मंदिर की बात करें तो 400 साल पुराना मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, हर मुरीद यहाँ पर पूरी होती है। तो जो बालाजी जंगल रिसोर्ट है वो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा जंगल रिसोर्ट लेकर आ रहा है जो आपको जंगल के बीच में हर वो अनुभव और हर वो चीज़ आपको देगा जो वाकई आप अपनी ज़िंदगी में सुकून के साथ उसको पाना चाहते हैं। महज एक बार और फिर आप सभी लोगों को मैं बोलूँगा कि महज इंदौर से 15 किलोमीटर दूरी पर है, ये इंदौर और खंडवा रोड पर है जहाँ से 6 लेन रोड जो है प्रस्तावित है, और महज 15 किलोमीटर दूर बाईपास से लगा हुआ जंगलों के बीच में जहाँ पर आप झरनों का आनंद ले सकते हैं, चिड़ियों की वो गुनगुनाहट सुन सकते हैं जिसे वाकई आप फिल्मों या टीवी के माध्यम से देखते और सुनते हैं, लेकिन आप अगर उसको रियल लाइफ की अगर बात करें, उस प्राकृतिक अनुभव की बात करें, तो वो आप स्वयं यहाँ पर आकर उस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि बालाजी जो जंगल रिसोर्ट है उसके माध्यम से जो हमारे गोपाल गवंडे जी हैं इसका पूरा देख रेख कर रहे हैं, पूरा उन्होंने जिम्मेदारी ली है और ऐसा एक रिसोर्ट आपके बीच लाने जा रहे हैं, उस जंगल रिसोर्ट के माध्यम से आप वाकई वो चीज़ें पा सकते हैं जो गांव और शहर दोनों का मिक्सअप है। आप ना इसे गांव कह सकते हैं ना इसे शहर कर सकते हैं, लेकिन आप वो अनुभव कर सकते हैं जो वाकई आप जिस अनुभव और जिस खुशी और जिस सुकून की आप तलाश में रात दिन तमन्ना करते हैं, और ऐसे प्राकृतिक अनुभव के बीच में, प्राकृतिक झीलों के बीच में, प्राकृतिक मंदिरों के बीच में, और प्राकृतिक इन चिड़ियों और हमारे जो जीव जंतु हैं उनके बीच में जीना चाहते हैं, तो वो आप बालाजी जंगल रिसोर्ट के माध्यम से जरूर व्यक्त कर सकते हैं, और उस अनुभव को आप यहाँ पर सुकून से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। प्राकृतिक जंगल और झरनों के बीच प्राकृतिक मंदिर, और उसके साथ कहते हैं कमल का फूल, अगर बात करें जो कमल है कीचड़ में पैदा होता है, और उस फूल को देखने के लिए आपकी आंखें तरस जाती हैं। बड़ी मुश्किल से आपको कमल का फूल देखने को मिलता है जो कि प्रभु को भी साक्षात चढ़ता है। और इस तालाब की बात करें, प्राकृतिक आप तालाब देख सकते हो, यहाँ पर हर दिन यानी कि 365 दिन साल के आप इस प्राकृतिक कमल का जो फूल है आप इसको देख सकते हो, हर दिन नया कमल का फूल जो है खिलता है, और तालाब भी है यहाँ पर, शानदार जंगल भी है, सारी चीज़ें आप अनुभव कर सकते हैं, सारी चीज़ें महसूस कर सकते हैं। प्राकृतिक आप देखोगे ऊपर आसमान में, जहाँ तक आप निहारोगे वहाँ तक आपको चंद्रमा और चांद तारे दिखेंगे। तो ये एक प्राकृतिक सुकून है जो कि बालाजी जंगल रिसोर्ट आप सभी के सामने लेकर आ रहा है। जरूर एक बार बालाजी जंगल रिसोर्ट आप विजिट करिए और हमारे गोपाल गवंडे जी के साथ आप जुड़िए और उस प्राकृतिक अनुभव को फील करिए जहां पर ऐसे कमल के फूल हों, ऐसे प्राकृतिक मंदिर हों और प्राकृतिक जंगल हों, और साथ में वो चिड़ियों की गुनगुनाहट हो। ये है बालाजी जंगल रिसोर्ट, एक बार जरूर विजिट करें और ये प्राकृतिक अनुभव का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।